नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण के चुनाव में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन 30 सीटों में नंदीग्राम विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के टेंगुआ में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ममता बनर्जी ने उस ऑडियो क्लिप को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें उनके ऊपर बीजेपी के एक नेता से चुनाव जीतने के लिए मदद मांगने का आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने ऑडियो क्लिप को लेकर कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता प्रलय पाल मुझसे बात करना चाहते हैं, जिसके बाद मैंने उनसे फोन पर बात की। मैं नंदीग्राम सीट से प्रत्याशी हूं और इसलिए मुझे हर वोटर से बात करने का हक है। जब मुझे पता चला कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने उनका नंबर लिया और उनसे बात की। ममता ने कहा कि मैंने उनका हाल चाल पूछा और कहा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अब इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि नंदीग्राम सीट से प्रत्याशी होने के नाते मैं इस विधानसभा के हर वोटर से मदद मांग सकती हूं। मैं किसी से भी बात कर सकती हूं, उसे फ़ोन कर सकती हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अगर कोई इस बातचीत को वायरल करता है तो ये एक अपराध है। उस आदमी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिसने ये बातचीत वायरल की, ना कि मेरे खिलाफ। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी की बातचीत को इस तरह वायरल करने से लोगों का भरोसा टूटता है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में बीजेपी नेता प्रलय पाल से चुनाव में मदद मांगने का आरोप लगा है। ऑडियो क्लिप में ममता बनर्जी कथित तौर पर प्रलय पाल से टीएमसी में शामिल होने और चुनाव में उनकी मदद करने की बात कह रही थी, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने इस पर सफाई दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।